सो गाइज, आज है हमारे छठ पूजा का उपवास का दिन, और उपवास के दिन में हम सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिए हैं। अभी सारा बर्तन वगैरह सब कुछ यहाँ पे त्यौहार होता है इस रूम पे, और अभी प्रसादी बनने भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि ये चावल का लड्डू बनेगा, जो कि इसे ये पत्थर का बना हुआ, इसे क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है। पे सारा कुछ फल वगैरह रेडी हो चुका है, और ये तुलसी का जो है पेड़ा है, जहाँ पे तुलसी मैया का पौधा रहता है, और अभी सारा फल वगैरह सब कुछ रेडी कर किया जा रहा है, क्योंकि शाम के अर्घ में ये सभी चीज़ का ज़रूरत लगेगा। और यहाँ पे जो हमारे छठ पूजा में प्रसादी होता है वो यहाँ पे छका रहा है, जो कि शुद्ध घी से छाँका जाता है। ये देखिए, एकदम शुद्ध घी से छाँका जाता है, इसे हम ठेकुआ कहते हैं, ठीक है। वो ठेकुआ छका रहा है, और ये रोड का नज़ारा है, ठीक है। अभी यहाँ पे रंगोली बनेगा, वो मेरा बाइक है, अभी रंगोली बनेगा। अभी हमारे गली पे है जो कि पूरा सन्नाटा है, तो अभी रंगोली भी बनने स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए, ये पेंसिल से आगे यहाँ पे लकीर खींचा जाएगा। अब पहले इसे नाप वगैरह करके अच्छा से गोल करके इसमें कलर दिया जाएगा। इसका फाइनल लुक देखने पे आप भी बोलिएगा कि हाँ, रंगोली बना है। एक्चुअली वो रंगोली नहीं, एक मोर का चित्र बनेगा, जो कि रंगों से बनेगा। अभी अच्छे से गोल वगैरह किया जा रहा है, बीच बीच में डिज़ाइन भी। तो अभी सभी कोई तालाब जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, और अभी निकलने वाले हैं बड़ा डाली, जो कि वो भैया लेके खड़े हैं जाने के लिए। तो अभी निकल चुके हैं हम अपने तालाब की ओर, रंगोली के पास। वहाँ ईंट दे दिया गया है ताकि कोई बाइक उसके ऊपर चढ़ा ना दे, और अगर कोई चढ़ा दिया तो फिर उसका मार हो जाएगा, इसीलिए सेफ्टी के लिए, ठीक है। खोल के देखा, ये कपड़ा है जो ये चाचा जी का है, पर उसके फैमिली का 12-11। अब ये तालाब का रास्ता, तो अभी तालाब में अर्घ पड़ने वाला है, जो कि बहुत ही मजा आएगा। तो अभी और अभी हम पहुंच गए अपने तालाब, जो कि यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा भीड़ है, और ये तालाब भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मोबाइल में कैप्चर नहीं हो रहा है। वहाँ पर एक भैया हैं जो कि एकदम बीच में चले गए हैं बस स्विमिंग करके, मेरा कोई नहीं ले सकता, हम खाली सबका वीडियो बना रहे हैं। ये देखिए तालाब पे से अपना शाम हलन तकने है बड़ा सफा खूब है। Thank you.
शाम का टाइम हो चुका है, व्रत करने का भी टाइम हो रहा है, धीरे धीरे शाम हो गया है। 5 बजे अर्घ पड़ने का समय है, यहाँ अर्घ पड़ने लगा है और मेरे भी सिर पे अभी नहीं पड़ा है। वो वहाँ पे पुलिस अंकल लोग थे जो कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आए हुए हैं, वो लोग आए हैं, इसलिए अभी भीड़ भी आज इस साल के त्यौहार में कंट्रोल है, वरना अगला साल तो बहुत ही ज़्यादा भी हो गया था। और ये भी एक लालटेन है जो कि प्लास्टिक का छोड़ा जाता है, वो हमारे ओर से एक दिया छोड़ा गया है, देख ले जब यार उमरिया अभी तक। और इधर लालटेन लग चुका है, वो देखिए लालटेना छोड़े बस, तब उसमें गैस भरेगा और वो ऊपर उड़ जाएगा। और ऊपर उड़ते समय क्या ही बता दें, इतना अच्छा दिखाई देता है ना, मत बोलिए। तो बस अभी इस लालटेन के अंदर गैस भर चुका है और अब ये बस ऊपर उड़ने वाला है, तो देखते हैं अभी ऊपर उड़ता है या नहीं। ये गैस तो पूरा अच्छा तरह से भर चुका है, अब इसी चीज़ का इंतजार है कि ऊपर उड़ेगा या फिर नहीं उड़ पाएगा। गैस तो इसमें काफ़ी भर चुका है, देखने वाली बात है कि उड़ेगा कि नहीं ऊपर। आग तो इसमें काफ़ी लग चुका है और गैस भी इसमें काफ़ी भर चुका है, जो कि उड़ने के लिए तो सही छोड़ते चुका है, बट उड़ेगा या नहीं वो कोई कंफर्म नहीं है। चलिए देखते हैं आगे उड़ेगा या नहीं। दही छोड़ लो, दही छोड़े होने फिर नीचे गिर जाओ। और ये से बंदा छोड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। और ये देखिए गाइस उड़ गया, ये कितना मस्त दिखता है उड़ने पर। ऊपर ये क्या हुआ, ये तो साइड से जल गया, ये नहीं उड़ पाएगा, ये तो गिर जाएगा नीचे, क्या होगा ये। नहीं नहीं नहीं, नहीं उड़ गया ऊपर जाने लगा बट जल गया, ये शायद कहीं दूर जाके गिरेगा या फिर ये सामने में गिरेगा। और ये क्या है, जला हुआ में भी उड़ गया, वो ककड़ा मुड़ी में ना गिर, वो देखिए बहुत ही ऊपर उड़ चुका है। तो अभी अर्घ ढराई हो चुका और हम जाने लगे हैं घर। तो ये देखिए एक डाली है हम लोग का, जो कि शाम के टाइम में एक ही डाली उड़ता है हम लोगों का। तो अभी हम आ चुके हैं अपने रोड की ओर और बैकग्राउंड सॉन्ग में छठी मैया का भजन बज रहा है। अभी बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं तो जल्दी जल्दी जाना है हमें घर। ये देखिए सभी को यही जा रहे हैं घर, वो देखिए आगे का, ये आगे का सीन था और इससे पहले है वो पीछे का सीन था। अभी आ चुके हैं अपने घर और सभी को यहाँ पे जो डाली लेके गए थे जो त्यौहार करते हैं उनका पैर धो रहे हैं सभी कोई, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू एंड गुड नाइट।